नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं की ट्रैक्टर रैली को पार्टी कार्यालय पर ही रोक दिया, जिससे क्षुब्ध होकर सपा कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए जहां कई राजनीतिक पार्टियां सामने आ गईं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी किसानों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बिजनौर में सपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रैक्टर रैली को वहीं पर ही रोक दिया। हालांकि इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन और उनके तमाम कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को वहीं पर ही रोक दिया। आखिर में सपा के सभी कार्यकर्ता वहीं पर ही धरने पर बैठ गए। सपा के जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने बताया कि हमारी ट्रैक्टर रैली को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। हम लगातार किसान हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपना खून पसीना किसानों के लिए बहा देंगे। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। तमाम हिंदुस्तान का किसान अपनी मांगों को लेकर और किसानों के साथ साथ देश के आवाम की भलाई के लिए दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आज 62 दिन हो गए धरना कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि सरकार की, चाहे भारत की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनके कान पे जूं नहीं रही। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान हुआ है कि हम लोग जब से किसान धरने पर हैं, हम लगातार उनके समर्थन में मांगे कर रहे हैं, किसान यात्राएं निकाल रहे हैं, घेरा कार्यक्रम कर रहे हैं किसानों के पक्ष में। और आज ये बड़ा मुबारक दिन है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस का दिन है। आज इस मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकल रही है, उनके समर्थन में हम भी यहाँ समाजवादी किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे, किसानों के साथ खड़े हैं। मगर अफसोस की बात कि आज इस मुबारक मौके पर भी जहाँ हिंदुस्तान के हर एक आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपना प्रदर्शन करने की आज़ादी है, अपनी झांकी दिखाने की आज़ादी है, हम किसानों के पक्ष में अगर झांकी निकाल रहे हैं, उनके पक्ष की बात कर रहे हैं, तो पुलिस के लोग हमें रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा नहीं। समाजवादी पार्टी की एक लहर पूरब से चलकर पश्चिम आ चुकी है, पश्चिम तक आ चुकी है, और ये लहर मार्च अप्रैल में आंधी बनने का काम करेगी और जून जुलाई में ये तूफान बन जाएगा। और 2022 में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की 351 सीटें लेकर सरकार बनाने का काम होगा और किसानों के पक्ष की बात करेंगे हम। किसानों के बिल की जो मांगे हैं वो मांगेंगे और किसानों के लिए अपना खून पसीना बहाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।